लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य के तहत जिले भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बूथ तक पहुंचकर मतदान की संख्या बढ़ा सके। इसी कड़ी में आज गरीब और मेघावी छात्रा अंजलि कुमारी को 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही छात्रा के परिवार और बड़ी संख्या में वहां उपस्थित लोगों से अपील किया गया कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में सभी बूथ पर पहुंचकर मतदान की संख्या बढ़ाने का काम करें। इधर मीडिया से बातचीत के दौरान चिरकुंडा कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने बताया कि चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर संस्था द्वारा मेघावी और गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया। सर, आज के स्कॉलरशिप के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम लोग लोकसभा चुनाव में स्वीप के तहत भी तमाम तरह के ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हम लोगों से कनेक्ट होकर वोटर अवेयरनेस कर पाए। इसी के तहत एक सहयोग धारा संस्थान थी जो स्टूडेंट को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति देती है, उसके लिए आए थे। चयनित छात्रा को सर्टिफिकेट और सहयोग राशि के रूप में कुछ अमाउंट दिए गए और इसके तहत साथ ही हम लोग मतदाता शपथ पत्र भी पढ़े और सभी लोगों से आग्रह किए कि मतलब यहाँ पे 25 तारीख को वोट देने जाए। और साथ में ये ऐसे जो संस्थान है उनके लिए भी ये संदेश है कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारी सहयोग द्वारा संस्था है जो हम कुछ स्कूलमेट्स और क्लासमेट्स ने मिलकर चालू किया है उन छात्रों की मदद के लिए जो कि जिनको सहायता राशि की आवश्यकता है, उनके कारण उनकी पढ़ाई रुक सकती है, रुक जाएगी। अथवा इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश किया है कि हम ये स्कॉलरशिप अपने ज्ञानकुंड सर्कल के छात्र को ही प्रदान करें, क्योंकि इसका पहला फ़ायदा यह कि हम सारे लोग हम ज्ञानकुंड सर्कल के ही हैं। दूसरा ये कि स्क्रूटनी करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है अगर छात्र लोकल ही होते हैं। तो हमारा सहयोग धारा संस्था का मेन फोकस ज्ञानकुंड सर्कल में रहते हुए यहाँ के उन छात्रों को आइडेंटिफाई करना जिनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता है और उनकी मदद करना ताकि उनकी पढ़ाई कायम रहे। अभी तक सर कितने छात्र?